फ्रेंड्स, यार कैसे आप सभी का फिर से बस स्वागत है हमारे चैनल DH इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आज की वीडियो में मैं जो है आप लोगों को स्पीकर की आवाज़ को ट्विटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये होम थिएटर का स्पीकर है 3 इंच का, जो कि ये वूफर है, तो इसमें आप बेस वगैरह भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो है अपना पतला वाला पेपर कोन का स्पीकर जो आता है फ्रेंड्स, इसमें अगर आप लोग बेस ला दिया तो इसका कॉइल तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको अगर डायरेक्ट एम्पलीफायर से चलाना है तो कैसे चलाएंगे, तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ट्विटर से मतलब ये है कि इसमें जो है आप लोगों का एकदम पतला साउंड आएगा। तो फ्रेंड्स बेस वगैरह के लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर भी आप लोगों को बेस ज़्यादा कैसे बनाना है उसके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ट्विटर के बारे में जो है ज़्यादातर वीडियो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप लोग डायरेक्ट एम्पलीफायर से ट्विटर को कैसे चलाएंगे ताकि आपको जो है इसमें से एकदम पतला आवाज़ मिल सके। और फ्रेंड्स मोटा आवाज़ यानी कि बेस वगैरह के लिए आप लोग सब ऑफर वगैरह तो यूज़ कर ही लेते हैं, वो एकदम कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अपने पास ये 4440 का एम्पलीफायर है, 2 ठोक अपने पास स्पीकर है, तो हम लोग इसमें टेस्ट करके देखेंगे। तो अभी मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ और ये अपना ऑक्स केबल है यहाँ पे, और ये रेड वाला जो वायर है अपना ये स्पीकर के साइड जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया। चलिए फ्रेंड्स अभी जो है मैं आप लोग सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जैसे कि हम बेस वगैरह के लिए भी कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, तो ट्विटर में अगर आप लोगों को पतला आवाज़ लाना है तो उसके लिए भी कैपेसिटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैपेसिटर को यूज़ करने में डिफरेंस क्या आता है कि हम लोगों को एक साइड इसको यूज़ करते हैं तो हमको बेस ज़्यादा मिल जाता है और एक तरीके से यूज़ करेंगे तो हमको सिर्फ अपना पतला आवाज़ मिलता है। तो फ्रेंड्स सिर्फ बेस लेने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको या तो एम्पलीफायर के इनपुट में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर बहुत सारा तरीका होता है इसको कनेक्ट करने का। ठीक है, तो उसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ट्विटर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ट्विटर के लिए अगर आप लोग कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका कैपेसिटी जो है, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड। तो फ्रेंड्स ये जो 2200 माइक्रोफेरेड है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ट्विटर बनाना है तो आप लोगों को एकदम छोटा सा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी 4, 5, ऐसे 10 के आसपास हो। ठीक है, तो एकदम कम माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर आप लोगों को यूज़ करना है जिससे कि आप लोगों का आवाज़ पतलाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग ये वाला यूज़ करेंगे तो आप लोगों का ट्विटर नहीं बन पाएगा, आप लोगों को एकदम कम वैल्यू को रखना है। फ्रेंड्स आप लोग जो है इसका वैल्यू को चेंज करके अपने हिसाब से जो है पतला आवाज़ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4.7 को यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग 10 माइक्रोफेरेड यूज़ कर सकते हैं, 15, 20 के आसपास आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं 4.7 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यूज़ करके फ्रेंड्स इस कैपेसिटर को मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ ये अपने होम थिएटर वाले स्पीकर के साथ। तो पहले मैं आप लोगों को इसका नॉर्मल साउंड सुना देता हूँ, फिर मैं इसके साथ आप लोगों को कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं वो बता दूंगा और उसका भी साउंड सुना दूंगा कि क्या फर्क आ रहा है साउंड। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने इसमें ऑक्स को लगा दिया है और अभी मैं सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ, ये चालू हो गया है। बेस वगैरह भी आएगा अभी, तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा इसमें जो है बेस भी आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को कैपेसिटर यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो कैपेसिटर को कैसे यूज़ करना है, आप लोगों को स्पीकर का एक साइड का वायर निकालना है और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है। अगर एम्पलीफायर में आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसके साथ जो है कैपेसिटर का पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, मतलब कि सीरीज़ में इसको कनेक्ट कर देना है आपको स्पीकर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, अभी मैं इसको प्ले करके आप लोग दिखाता हूँ, पतला आवाज़ आएगा इसमें एकदम। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है और उसी के साथ जो है मैं इसको एक बार शॉर्ट भी कर दूंगा, मतलब कि कैपेसिटर शॉर्ट कर दूंगा ताकि इसमें जो है बेस वाला साउंड भी आ जाए, तो आप लोग डिफरेंस उसमें एकदम से नोटिस हो जाएगा आप लोगों को। मैं प्ले कर दे रहा हूँ सॉन्ग को, यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी मैं शॉर्ट कर देता हूँ कैपेसिटर, तो देखेंगे फ्रेंड्स, देख सकते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा इसमें डिफरेंस आप लोगों को एकदम साफ नोटिस हो रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपल से इसमें ये फंडा है कि आप लोगों को जो है स्पीकर के साथ सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और उसका जो अपना कैपेसिटी है माइक्रोफेरेड वो बहुत कम रहना चाहिए। आप लोग इसमें 5 से 20 और अपने हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 100 तक आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं इसके साथ डायरेक्ट 2200 का यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स 2200 यूज़ करने से ये हो रहा था कि इसमें जैसा नॉर्मल साउंड आ रहा है बेस वाला वैसा ही साउंड आ रहा था, तो उसको यूज़ करने का मतलब नहीं बनता, इसलिए आपको जो है यहाँ पर कम माइक्रोफेरेड का ही लेना है।
आप लोग अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से ट्रेबल और बेस मेंटेन होते रहेगा इससे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमने इसी के साथ तो टेस्टिंग कर लिया, अब मैं आप लोगों को असली ट्विटर के साथ टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ट्विटर में बेस आता है तो ये ज़्यादा दिल झेल नहीं पाएगा और जल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है इसको कैपेसिटर के साथ यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इसको होम थिएटर वाले को निकाल देता हूँ और 4 इंच को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने सीरीज़ में इसको कनेक्ट कर लिया स्पीकर के वायर के साथ, और अभी ये वाला इसका एक पॉइंट और ये वाला वायर को जो है मैं अपने ये ट्विटर में लगाऊंगा और आप लोगों को अभी साउंड टेस्ट करा देता हूँ मैं इसका। अभी आप लोगों ने देखा ट्विटर के साथ भी जो इसका साउंड है इसमें बिल्कुल भी बेस नहीं आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कोन में बिल्कुल भी वाइब्रेशन टाइप का नहीं था, सिर्फ जो है इसमें पतला आवाज़ आ रहा था। तो इसी प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप लोग स्पीकर को आसानी से ट्विटर बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको ऐसे ही नीचे रखा हुआ है और इसको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही एक बार साउंड दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कनेक्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है वीडियो में, ठीक है। आप लोग देखेंगे थोड़ा सा कनेक्शन क्लियर नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कोन को देख सकते हैं, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन नहीं है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको निकाल रहा हूँ बंद हो जाए, और अभी मैं ये नॉर्मल वायर को इसमें कनेक्ट करता हूँ तो वाइब्रेशन आएगा। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, नॉर्मल वायर को जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो इसका साउंड भी बढ़ जा रहा है, इसका कॉइल भी जल सकता है अगर मैं उसको ज़्यादा देर तक कनेक्ट करूँगा, तो इसलिए जो है मैं इसमें कनेक्ट नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो है आप कैपेसिटर को यूज़ करके एक स्पीकर को आप लोग जो है आसानी से ट्विटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। हम ऐसे स्पीकर एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।